प्रार्थना करता हूँ प्रभु हमारी उंगली लेकर चलाए और हमें वहां तक ले जाए जहाँ आप खड़े हैं, जहाँ आप हैं वहां तक हम आए और आपकी कृपा को प्राप्त कर सके। उसके लिए जो तीन साधनाएं मैंने दी है उसको आप गुरु पूर्णिमा तक पूर्ण करो, और अगर अगली बार आपके पास आप पूर्ण सक्षम हो मैं कर देता हूँ, आज से भी ज्यादा सक्षम होने समर्थवान होना चाहिए, मेरे साथ मारे में चलने की शक्ति रखनी चाहिए। आप मेरे साथ आते हैं तो गुरु पूर्णिमा के बाद में जब डेट दूंगा तब भी आप आएंगे, और नहीं आएंगे भी तो इस साधना को संपन्न कर लो। आपके जीवन में निश्चित रूप से मैं कहता हूँ कि आपको गुरु का दर्शन निश्चित रूप से होने की वो साधना जरूर दूंगा जो सिद्धाश्रम पहुंचे और सिद्धाश्रम के योगियों की जानने की साधना करेगी। आपको ये पता होगा कि आदिगुरु शंकराचार्य की माता जब शंकराचार्य पेट में थे तो उनके पति चले गए और उसके बाद शंकराचार्य पैदा हुए, तो माता ने शंकराचार्य को ये करके छोड़ दिया कि तू क्या बदनसीब लड़का है, तेरे से पति ले मैं विधवा हो गई, तू जन्मना न जन्मना ठीक है। और उन्होंने गांव के एक दूर गांव के बाहर के एक मंदिर में शंकराचार्य को छोड़ कर आकर वो ये कहती कि तू बहुत बदनसीब लड़का है, सौभाग्यवान लड़का है, तूने अपनी माँ को इस तरह किया, ये कहते हुए उन्हें छोड़ दिया। लेकिन शंकराचार्य ऐसे मुहूर्त पर जन्मे हुए थे कि उस मंदिर में जो माता भगवती थी कहते हैं कि वो रो रहे थे भूख के कारण, और उस माता के स्तन से दूध आकर शंकराचार्य के मुंह में गिरा, और ये दृश्य जब उस पुजारी ने देखा तो उन्हें देखा कि किसका पुत्र है, तो पता चला कि फलाने माता का पुत्र है, वो कल रात में डेली हुई उसने छोड़ दिया। फिर उन्होंने जाकर कहा कि क्यों पुत्र को छोड़ दिया, पुत्र महाभाग्यवान है, माता के स्तन से उसने दूध दिया। फिर वो आई 8 साल की शंकराचार्य हुए, उन्होंने भी सीखा सारी चीज़ें हुई। जब वो मरना जब उनको एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया तो उसने माता जी से कहा कि माँ तू कह दे मेरी आयु तो 8 वर्ष की है, मगरमच्छ पकड़ लिया मुझे खा रहा है, तू अगर मुझे संन्यास लेने का वचन देती हो तो मेरी आयु और 8 साल बढ़ सकती है, नहीं तो बोल अगर संन्यास नहीं तो मैं भी मर जाऊँगा। माता क्या चाहती है बच्चा बच जाए किसी भी तरह, उसने कहा बेटा मैं तेरे संन्यास लेने की दीक्षा दे देता। जैसा ही शंकराचार्य ने उस मगरमच्छ से कहा कि मैं संन्यास ले रहा हूँ तो मगरमच्छ छोड़ दें, और वो बच के आ गए। बाद में उनके 8 साल से उम्र 16 साल उनकी आयु बढ़ी। 16 साल से जब उनकी आयु बढ़ी तो वो अपने गुरु के पास गोपाल गोविंदाचार्य के पास गए। जब वे गए तो उनकी उम्र 13-14 साल की, और उन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा और 1 साल बचने वाला, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा मरण ऐसा ही ना हो, मैं संसार के लिए कुछ कर सकूँ, आयु नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। तब गोपाल गोविंदाचार्य सद्गुरुदेव जी थे जो दादा गुरु महान गुरु थे, उन्होंने कहा कि तुम्हारी आयु और 16 साल बढ़ा देते हैं, और शंकराचार्य जी की आयु 32 साल तक बढ़ा देते। लेकिन इस साल होते समय माता की कोई साधना नहीं थी, पति के पास भी पारायण सीखती थी जो अपने घर में जीती थी, तो शंकराचार्य एक बार फिर अपने माता के पास आए और माता को कहा माँ मैं तेरा बेटा बनकर इस सारे हिमालय तक घूमता रहा, वेद सीखता रहा, सब कुछ सीखता रहा, लेकिन मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सका, तेरी जब भी जो कोई भी इच्छा हुई मैं एक इच्छा तेरी जरूर पूर्ण करूँगा, माँ तू बोल कि तेरी इच्छा क्या है। उसने कहा बेटा आज से मैं जिंदगी जी रहा हूँ, मैं तो तेरा नाम सुनकर बहुत खुश हो जाती हूँ, तुम्हारा बेटा भगवान को प्रसन्न करता है, तुम्हारा बेटा इतना सब वेद विधान को जानता है, तुम्हारा बेटा पूरा संसार ये लोग आकर जब कहते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है, बेटा इससे ज़्यादा मेरी खुशी कभी नहीं है, मैं तो इससे भी प्रसन्न हूँ कि तेरे नाम से लोग मुझे भी बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ देखते हैं। लेकिन वो गाँव वाले थे एक के वो बात नहीं चाहते थे, वो गाँव वालों का भी गाँव वाले में एक ईर्ष्या होती है, किसी का बच्चा अच्छा हो गया तो माँ को तो वो लोग गालियाँ देंगे ही देंगे, बच्चे के साथ भी देंगे। तो माता ने शंकराचार्य से कहा था ये बेटा जब मेरा अंतिम समय आएगा तो मैं तुझे तेरी मेरी इच्छा हो तो अंतिम समय में मेरा संस्कार करने के लिए, मेरे संस्कार को देखने के लिए तू ही आना बेटा, इतना आशीर्वाद मुझे दे दे। तो कहा कि माँ मैं संसार में कहीं भी रहूँ तो क्या तेरे को अंतिम क्षण हो जब तू मुझे पुकार मैं तेरे साथ आऊँगा। वैसे ही कुछ दिनों के बाद माता के अंतिम क्षण आ गए और उन्होंने जोर से कहा बेटा मेरे अभी अंतिम सांस चल रही है शायद तू आ जाना। शंकराचार्य हिमालय में थे, उन्हें जब माता की पुकार सुनी तो निभाव के साथ वहाँ आए, आके माता जी के चरणों में खड़े रहे और बोले माँ मैं जिससे कुछ नहीं करते कोई आखिरी इच्छा हो तो बोल दे। तो माता कहते हैं कि बेटा मेरी इच्छा क्या है, तू नाम कमाया सब कुछ हो गया लेकिन लोग कहते हैं कि तू मंत्र करने से सारे देवताएं प्रत्यक्ष हो जाते हैं, मैंने आज से ये नहीं देखा, और मैं बचपन से भी भगवान लक्ष्मी नारायण की बहुत भक्त रही हूँ। बेटा अगर तेरे स्तोत्र में तेरे वचनों में इतनी सिद्धि है तो मेरे एक बार लक्ष्मीनारायण का दर्शन करा दे। और शंकराचार्य ने स्तोत्र किया और माता को लक्ष्मीनारायण का दर्शन, और उन्हें प्राण छोड़ दिए। ये क्या कौन सी क्रिया, ये कौन सी साधना है जिससे उनके माता को शंकराचार्य ने उस दर्शन को दिलाया। ऐसी दर्शन साधना आपके जीवन में जो आप पुकारें और परमपूज्य सद्गुरुदेव जी आपको दर्शन दें, ऐसी कोई साधना है।
ऐसी साधना को आपके समक्ष आपको देना चाहता हूँ कि आपके जीवन में किसी प्रकार की कमी ना पड़े, आप सिद्धों के साथ हो, आप जहाँ भी जाए वहाँ की पूरी पंचायत यानी देवताओं की हुक्मी हो, वो आपके अनुकूल हो, आपके प्रति आपके प्रतिकूल कोई ना हो, इसके लिए जहाँ भी जिस जहाँ भी जाते हो तुम्हारे साथ लोग उसी तरह व्यवहार करें कि तुम श्रेष्ठ हो और तुम्हारी श्रेष्ठता लोगों को पता चले। इस प्रकार की इन साधनाओं को मैं देना चाहता था, लेकिन उससे पहले साधनाओं को करने से पहले किस चीज़ को करना चाहिए और उस चीज़ को करने से हमारे जीवन में साधनाओं को करते समय किसी प्रकार का कष्ट ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए, मैं आपको उन मंत्रों को बताता हूँ। केवल तीन बार अपने जीवन में उस मंत्रों को बोलना है। पहले मैं बताता हूँ, बाद में आपको देता हूँ। जिन मंत्रों को कल सिद्धाश्रम की योगियों ने बताया कि आपके सामने एक कटोरे में पीले हल्दी मिलाए चावल, एक कटोरे में कुंकुम मिलाए चावल आपके सामने रख लेना चाहिए, और जब आप बैठते हैं तो पीले चावल हाथ में लेकर आप गणेश जी का स्मरण, गुरु का स्मरण करने के बाद इस मंत्र को बोलना चाहिए, ओम पर मंत्र पर यंत्र बंधे बंधे माम रक्ष रक्ष होम होम स्वाहा। इस मंत्र को बोलते हुए आपके गोल पीले अक्षर डाल ले और साधना के लिए बैठ जाए, आपको किसी प्रकार की अड़चन नहीं होगी, चाहे आप जंगल में भी बैठे हो। और हम बैठने के बाद हमारे को सताने वाले दलाल होते हैं, चाहे वो कोई भी हो, तो उस सताने का या अपने विचारों का, अपने को कोई कर्जा है, कर्जे वाला आएगा, कोई शत्रु आएगा, कोई मारेगा, कोई बहू आएगी सताएगी, भाई आएगा सताएगा, बेटा आएगा सताएगा, वो चिल्लाएगा, ऐसे अपने को डर रहता है, उन चीज़ों को ना हो, उस मस्तिष्क में उस चीज़ों को ना आने दे, तो उस मंत्र के लिए लाल अक्षर ले और आपके सामने एक मुट्ठी लेकर वो लाल अक्षर को सामने रखें। उस समय मंत्र बोले तीन बार, ओम ठम ठह पर कृतान बंधे बंधे छेदे छेदे स्वाहा, ये बोलते हुए लाल अक्षर को रखे। उसके बाद हमारे विकृति आती है, हम बैठे बैठे लड़की याद आ जाती है, कोई कोई लाइट मारने वाले लड़की को, प्रेम करने वाले लड़की को, इन्हें दूसरे में एक्टर याद आती है, ये तो इस प्रकार की जनरल साधारण सभी में होता ही है कि हमारी कोई अप्सरा, गुरु ने कह दिया कि अप्सरा है तेरे जीवन में, तो अप्सरा याद आ जाती है, तो ऐसे हमारे मस्तिष्क विकृत होने लगता है, हम विकृति से रहते हैं, वो ऐसी विकृति को जाने के लिए हम लाल अक्षर को अपने साथ लें और उन लाल अक्षर को अपने सर पर रखें। एक कहते हुए ओम क्रौम ह्रौम वैरीकृत विकृतम नाशय नाशय उल्ट वेदम गुरुकुल स्वाहा, जो ये विकृति मेरे में पैदा हो गई है वो जहाँ से आई है वहाँ चली जाए, ऐसा कहते हुए लाल अक्षर कर। और उसके बाद हमारे में पहले तो साधना को बैठते हैं, और साधना को बैठते हैं तो कोई ना कोई अपने ऊपर अभिचार करता है, कोई कोई अपने ऊपर तंत्र कर देता है कि अपने को साधना से बीच में उठा देता है, जैसे अपना पैर का दर्द होना, अपने पार किसी कोई कोई पुकारना, कोई गालियाँ देना, तो हम क्या करते हैं बीच में ही साधना छोड़कर चले जाते हैं। ऐसी चीज़ें ना हो तब क्या मंत्र बोलना चाहिए, लाल अक्षर को अपने हाथ में लेफ्ट हैंड में लेना चाहिए और ओम परकृत विचार घातक घातक ठाठा स्वाहा हूँ बोलते हुए उसके ऊपर फूंक मार देनी चाहिए और अपने दक्षिण दिशा में उसको फिर उन अक्षर को फेंक देनी चाहिए। और इसके बाद होता है हम विद्याओं को, हमने जो विद्याएँ महाविद्याएँ सीखी है, वो महाविद्याएँ सीखने वाले वो लोग अपने ऊपर कोई ना कोई अपने ऊपर प्रचार कर देते हैं और कहते हैं कि इसको ये विद्या ही सिद्ध ना हो, अपनी विद्या सिद्ध ना होने के लिए, अपनी को साधना में सिद्धि ना मिलने के लिए वो कुछ ना कुछ अपने ऊपर करा हुआ होता है, और अपने हाथ में अपने जीवन में कोई चीज़ ऐसे, या अपने घर का वास्तु ठीक ना होना, या हम जहाँ बैठे हैं वहाँ पर कोई हड्डियाँ होना, या हमारे वहाँ उन चीज़ों में कोई ऐसे प्रकृत किए हुए कोई तंत्र हो, तो उस प्रकार के करने के लिए हम लाल अक्षर को ले लें और उसके ऊपर पानी डालते हुए कहे ओम नमो ह्रौम पर विद्या छिंद छिंद स्वाहा, ये कहते हुए कि अगर यहाँ कोई पर विद्या करके रखा है, जहाँ मैं जहाँ बैठा हुआ हूँ वहाँ कोई तंत्र विद्या करके इसको रोका रखा है, यहाँ सीखना ना आए, तो उस विद्याओं को चले जाने के लिए लाल अक्षर छोड़कर पानी से छोड़ देते। और ये करते समय ये सारी चीजें एक तरफ, दूसरा है हमारे शत्रु हमारे को साधना करने नहीं देते। जब हम देखते हैं तो अच्छी तपस्या करते समय इंद्र ने अप्सराओं को भेजकर ही साधनाएं खत्म करवा दी बहुत सारे लोगों की, और बहुत सारे योगिनियां, ये आपका पूर्वजन्म अगर अच्छा है, पूर्वजन्म बहुत श्रेष्ठ है आपका, लेकिन योगिनियां या फिर वेद करने वाली लक्ष्मियाँ, अब गलती से आपने हमने कभी एक मंदिर तोड़ा या मंदिर को कोई अपने को इच्छा नहीं है, ऐसे योगिनियों को ऐसे देवताओं के ऊपर उनको फूल चढ़ा दिया, समझो मंदार फूल दुर्गा माता को चढ़ता है और तुम्हारी हंसी चढ़ गया, गणपति गणेश जी को हम मंदार फूल चढ़ाना चाहिए या दूसरे फूल नहीं चढ़ाने चाहिए, उनको चढ़ गया केवड़े का फूल, गलती से शिव जी को चढ़ गया, क्योंकि पाप है शिव जी को पसंद नहीं, और शिव जी तभी कहते हैं कि रुष्ट हो जाते हैं तुम्हारे ऊपर, क्यों मुझे पसंद है ऐसी चीज़ें क्यों करते हो, ऐसा करने के बाद जो रुष्टता हमारे ऊपर रहती है उस समय वो ऐसा करने के लिए शत्रु हमें कहता है कि इसकी साधना सिद्ध ना हो, और वो अपने ऊपर ऐसी
साधना करने के लिए अड़चन निर्माण कर रहा है, तब क्या करना चाहिए? तब पीले अक्षर लेकर हम अपने दाएं हाथ में अक्षर ले लें और ये मंत्र बोले, ओम शत्रु कृतान मंत्र यंत्र तंत्रान नाशय नाशय उत्पन्नम उत्पन्नम स्वाहा, ये कहते हुए उसके ऊपर कुंभ मारकर जोर से जमीन पर पटक दें, तीन बार बोलकर तो वो इससे उठे जाते हैं। इसके बाद हम प्रार्थना करते हैं कि ये सारी चीजें कहोगी, प्रभु आप मैं जिस देवता की साधना कर रहा हूँ वो देवता कहीं भी हो आज क्षण भर के लिए मेरे सामने आकर दर्शन देने के लिए, हे परमात्मा, हे देवता, हे सदगुरु, आप उस देवता को मैं साधना करूँ, देवता को मेरे पास भेजो। ये कहते हुए हम पीले अक्षर लेते लेकर हमारे पास अगर सामने यंत्र है, सामने माला है, तो पीले अक्षर लेकर उस माला पर वो ये मंत्र बोलते हैं, ओम नम परमात्मा सर्वात्मा सर्वतोमाम रक्षक्ष स्वाहा, हे परमात्मा, हे देवता, मैं ये साधना दशमाहिता साधना कराऊँ, देवता साधना कराऊँ। ये कहते हुए उस यंत्र के ऊपर या उस माला के ऊपर फूल चढ़ाते हुए मंत्र तीन बार बोलकर चढ़ाना चाहिए। ये सब होने के बाद हम कहते हैं कि गलती से मेरे हाथ से कोई पाप हो गया हो, कहीं मेरे मैंने माँ बाप को गाली दी हो, मेरे बड़े लोगों को गाली दी हो, कभी गुरु का चिंतन किया हो, गुरु को गुरु की निंदा की हो, ऐसे पाप भी मेरे जीवन में होते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ये सारे पापों का निवारण होते हुए मैं साधना में सिद्ध हूँ। इसके लिए हम हाथ में हमारे हाथ में पीले फूल, पीले अक्षर, लाल अक्षर, इन सभी को ले लेकर इस मंत्र को बोलना चाहिए, ओम 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 हूं 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 हरिनाम यत्कृतम कर्म ततस्यैव भवति रुद्राम अज्ञानवृद्धि स्वाहा पट, मेरी गुरु की आज्ञा से मैं ये साधना कर रहा हूँ, मेरे दोष मैंने किए हुए ना किए हुए कोई दोष है उन सारे दोषों को मैं यहीं छोड़ दे रहा हूँ। ये कहते हुए अपने बाएं लेफ्ट पाँव के नीचे उस अक्षरों को रख देकर हम साधना आरम्भ करें। तो कहते हैं कि आप कोई भी महाविद्या करो, कोई भी साधना करो, निश्चित रूप से सिद्ध होंगे, और ऐसी साधना सिद्ध नहीं होती ऐसा हो ही नहीं सकता।